रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की मुसीबत बढ़ गई है। 20 फरवरी को एक बहस के दौरान उन्होंने एक अलगाववादी नेता इरफान हाफिज लोन से बहस हो रही थी, इसी दौरान इरफान ने खुलेआम पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन कर दिया, अलगाववादी और स्थानीय आतंकियों पर पत्थरबाजी की पैरवी कर दी। उस समय किसी भी देशभक्त की तरह अर्णव भी भड़क गए और इरफान लोन की बातों पर भड़कते हुए उन्होंने उन्हें देशद्रोह कह डाला। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के मंत्री जिस पर अलगाववादियों से संपर्क है उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए, उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया। आप सभी जानते हैं कि उस वक्त देश में किस तरह की स्थिति थी और आतंकी हमले से पूरा देश तिलमिलाया हुआ था क्योंकि हमने बड़ी संख्या में हमारे जवान खोए थे। तो उसी दौरान ये बात कही गई, लेकिन उन्होंने जब उन्हें देशद्रोही कहा तो महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। अर्णव की डिबेट में कई बार इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं और अब जो हुआ है वो काफ़ी अलग है। पीडीपी समर्थकों ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद उन्होंने इसके लिए एक अर्जी दाखिल की थी और अपने लिए बेल मांगी थी, पर उसके बाद श्रीनगर के मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। क्या देश के समर्थन में बोलना अर्णव को महंगा पड़ सकता है? और ऐसा नहीं है कि अर्णव ने इस तरह के बयान दिए हों, इस तरह के बयान इस दौरान कई लोगों के ऊपर से आए थे पर उनके ऊपर केस दर्ज नहीं किए गए, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि यहाँ पर पत्रकार को सच बोलना महंगा पड़ गया है, उन्हें तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। अदालत ने अर्णव गोस्वामी और 3 अन्य आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 3 आरोपियों को 23 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी कर दिए।